दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ की शूटिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले आपको मैं बता रहा हूँ ब्रह्मलोक की शूटिंग, जहाँ पर आप देख रहे हैं माता सरस्वती ग्रीन टपे पे बैठे हुए और बैकग्राउंड ग्रीन है। उसी तरह से ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बैठे हुए रहते ग्रीन टपे पे, वहाँ हम लोग कमल का फूल बना देते हैं। तो ऐसा लगता है कमल के फूल पे ब्रह्मदेव और माता सरस्वती विराजमान है, कुछ इस तरह से जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे ब्रह्मदेव बैठे हुए। और पूरे लोकेशन ब्रह्मलोक का बना दिया जाता है, जो तैयार किया रहता है पहले से बना करके, तो पूरा लोकेशन चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से वैकुंठ की भी शूटिंग होती है, जहाँ विष्णु जी बैठे हुए रहते हैं, लक्ष्मी जी बैठी रहती है, तो हम लोग शेषनाग और क्षीरसागर बना देते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों शेषनाग पे विराजमान है। अब यहाँ पर देखिए दोनों खड़े हैं, तो यहाँ पर अलग लोकेशन तैयार कर दिया जाएगा। जैसा लोकेशन तैयार करेंगे उस लोकेशन के हिसाब से लगेंगे कि दोनों भगवान वहीं खड़े हैं। अभी आप देखने वाले हैं कि विष्णु जी हार्नेस पे लटके हुए हैं, तो वहाँ पर कौन सा लोकेशन क्या तैयार किया जाएगा। तो इस सीन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि विष्णु जी उड़ रहे हैं, तो हो सकता है अगर हवा में उड़ रहे हैं तो वहाँ पर बादल बना दिया जाएगा। अगर यूनिवर्स में है तो ब्रह्मांड का बैकग्राउंड लोकेशन बनाया जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से, सीन के हिसाब से जो भी रहता है वो क्रिएट कर दिया जाता है कंप्यूटर में ग्राफिक्स की मदद से। तो यहाँ पर देखिए हार्नेस पे लटकाया गया है विष्णु जी को, इस तरह देखिए, इस तरह से हम लोग हार्नेस में बांध के उड़ाते हैं। फाइट मास्टर इसके लिए आते हैं, हार्नेस आते हैं, पूरी तरह से बांधा जाता है। और ये कैलाश की शूटिंग आप देख रहे हैं, जहाँ शिव जी और माता पार्वती की शूटिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड कैलाश का बना दिया जाता है, पर्वत बना दिया जाता है, और लाइव पैर का पास देना था तो हम लोग नमक बिछा कर वाइट वाइट कर देते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से कैलाश की शूटिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।